आगे बढ़ेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर बंकर में मौजूद हैं और फ्लाइट डेटा के जरिए लोकेशन ट्रेस करने का दावा भी किया गया है। आखिरकार दुनिया को पता चल गई पुतिन की सीक्रेट लोकेशन। पुतिन का अगला प्लान और खतरनाक होगा। पुतिन पहाड़ों के नीचे बैठकर बना रहे हैं तबाही का बड़ा प्लान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच पुतिन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर पुतिन के विरोधियों के माथे पर शिकन बढ़ाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की सीक्रेट लोकेशन का पता लगाने का दावा किया गया है और जो लोकेशन सामने आई है वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। पुतिन के यूराल पहाड़ों में मौजूद न्यूक्लियर बंकर में मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। पुतिन के साथ रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के मौजूद होने की भी बात कही जा रही है। इस बंकर के पूर्वी रूस में होने का दावा किया जा रहा है। पुतिन के न्यूक्लियर बंकर में मौजूद होने की कई वजह मानी जा रही है। पुतिन के न्यूक्लियर बंकर में मौजूदगी का मतलब उनके परमाणु प्लान के एक्टिव होना भी माना जा रहा है। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि शायद पुतिन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि परमाणु हमला होने के हालात में रूस के लोगों को समय रहते बचाया जा सके। ये न्यूक्लियर बंकर ऐसे हैं जिनमें अटैक का असर भी नहीं होता। कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि परमाणु हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुतिन ने अपने परिवार को न्यूक्लियर बंकर में भेज दिया था। वैसे रूस की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि अगर बात उसके अस्तित्व पर आई तो परमाणु बम के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएगा, यानी खतरे की घंटी तो बज ही चुकी है। रिपोर्ट, जी मीडिया।